जय श्री राम, भोले बाबा की जय। ये भोले बाबा की। अंकल, हाँ, वो केशवानंद जी की जो उनका एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन में, ट्रेन से, उसके बारे में बताओ ना। क्या है, एक बार स्वामी केशवानंद जी आ रहे थे कैंची से, मतलब राणी कार गोदाम से मुरादाबाद आ रहे थे हमारे पास। अच्छा। तो मुरादाबाद से पहले 4-5 किलोमीटर पहले किसी ने चेन पुलिंग कर ली। तो उन्हें बुजुर्ग आदमी थे स्वामी केशवानंद जी, पुजारी बाबा थे, मदासी बाबा, वो उतर गए नीचे। उसने सोचा कि भाई ये ट्रेन जो है अब स्टेशन मुरादाबाद आ गया, सही है, कोई बात नहीं, समझे ना। तो वो नीचे एक हाथ तो हैंडल पकड़ा हुआ, एक हाथ से तो हैंडल पकड़ा हुआ और पैर नीचे और हाथ में थैली, और वो बेचारे वहाँ रगड़ खाते खाते, ट्रेन स्टार्ट हो गई वापस, रगड़ खाते खाते मुरादाबाद स्टेशन पे आ गए, मेन स्टेशन पे। देखो लोग इकट्ठे हो गए कि बेचारे स्वामी जी गाड़ी चोटिल हो गए, घायल हो गए वो। तो उन्होंने पूछा बाबा जी कहाँ जाना है, कि हमारे फैक्ट्री थी कटघर में। तो फ़ोन नंबर लिया है, हमारे पास फ़ोन है मुरादाबाद में फैक्ट्री में, जो स्वामी जी आए वहाँ तो उनकी ऐसा हालत हो गई है। हम आए, आके देखा, डॉक्टर के ले गए, ज़्यादा नहीं लगी थी, अगर खा गए तो पट्टी वट्टी करा दी। फिर हमने कहा जोश में आके कि बाबा जी ने आपको कुछ ध्यान नहीं रखा, ये क्या कर दिया, बाबा तो हर वक्त साथ रहते हैं, तो बाबा ने यह कर दिया। तो उन्होंने कहा कि बाबा का दोस्त नहीं है, बाबा ने तो हमको जिंदा रख दिया, हम तो ठीक ठाक है, दोस्त हमारा कई जन्मों का होगा, तो हमको रगड़ खा गए लेकिन बच तो गए ना। तब हमको लगा कि कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ेगा, कोई भी हो जाए, तो बाबा के साथ रहने से जो पहाड़ गिरता है वो राई में बदल जाता है, बाबा के साथ जुड़े रहो। जैसे आपके साथ हुआ, आपने सोचा हमारे तो इतना अच्छा बिजनेस है और वो कभी, मतलब मैं ऐसे ही, और कैसे आपको मुरादाबाद से एक दिन उनकी आज्ञा से आपको वो हमारे पास आए। हाँ। जब दंगे हुए थे 80 में। हाँ। और हम जोधपुर, हमको लेके छोड़ के गए, वो बाबा की एक फोटो लेके आया, बाकी सब सामान छोड़ के आया, कुछ नहीं सामान हुए, कुछ नहीं। तो आज सब कुछ होगी वापस, बाबा को साथ रखो, विश्वास बड़ी चीज है, बाबा कहीं गए नहीं है, बाबा 24 घंटे आपके साथ ही है, वो आपके पास चश्मा होना चाहिए देखने के लिए उनको, वो बाबा देंगे जब वक्त आएगा। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम, भोले बाबा की जय।